कुछ ओवर स्मार्ट लड़के होते हैं जो ऐसी लड़कियों को पटाते हैं जो कि मेहनत से करके काम करती हैं, दे हैव अ रेगुलर इनकम, व्हेनेवर दे वांट टू स्पेंड मनी, व्हेनेवर दे वांट टू हैव फन, उनके पास जाते हैं, उनसे लोन लेते हैं कि यार ये लास्ट लोन है, इसके बाद नहीं मांगूंगा, कल इंटरव्यू है, नौकरी लग जाएगी, आई विल गिव इट बैक टू यू, बट दैट मनी नेवर कम्स बैक. इससे बचने के लिए लड़कियों को क्या करना चाहिए? दे शुड स्टार्ट आस्किंग फॉर कोलेटरल्स, या फिर कुछ कंडीशन लगानी शुरू कर देनी चाहिए ऐसे लड़कों पे. फॉर एग्जाम्पल, अपना आईफोन यहाँ रख के चले जाओ, ये USSD फ़ोन लेके चले जाओ, जब लोन वापस आ जाएगा तो ये आईफोन भी ले लेना, ऑटोमेटिकली उनका NPA कम हो जाएगा. IMF realized the same thing. It was giving a lot of loans to all these developing countries, but वो पैसा वापस नहीं आ रहा था, कहीं ना कहीं वो पैसा NPA में कन्वर्ट हो रहा था. तो IMF ने सोचा कि यार कुछ अलग करना पड़ेगा, लेट्स स्टार्ट पुटिंग कंडीशंस ऑन देम जिससे कि इनकी मार्केट भी ग्रो हो और हमारा पैसा भी वापस आए. कंडीशंस जैसे अपनी मार्केट को खोलिए, प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज करिए, सेल ऑल दीज लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, लाइसेंस राज सिस्टम को हटाइए, अलाउ ऑल दी MNCs टू कम टू योर कंट्री, अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करिए. दिस वॉज नेम्ड बाई IMF एज ESAF, एनहैंस्ड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी.